नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं राज्यसभा के मेंबर मनोज कुमार झा का ऐसा स्पीच जो हर सोते हुए जमीर वाले मंत्री को जगाने का प्रयास करेगा। मनोज कुमार झा, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड नाउ। मनोज कुमार झा, थैंक यू ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर। आज शुरुआत आप ही से करता हूँ, वक्त थोड़ा कम है मेरे हिस्से में, तो मालिक तेरी रजा रहे या तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। तो वो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन भी आपसे चाहता हूँ। वाइस चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से ये कहूँ, इस देश में जितने विभाग हैं कैबिनेट में, सबसे महत्वपूर्ण विभाग फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और मुझे चिंता होती है उस मिनिस्ट्री में जो भी लोग हैं उनकी, क्योंकि मुझे पता है कि पेंडेमिक के साए में नीति और नियत तय करना आसान नहीं होता, आपके लिए तो और भी आसान नहीं होता। और मैंने कैबिनेट रिशफल जब देखा, जब क्रेडिट की बात होती है तो क्रेडिट तो तय है कहाँ जाएगा, हाँ बदनामी अगर आनी है तो किसके सर पे ठीकड़ा फोड़ा जाएगा ये भी पता है। तो माननीय उपसभापति महोदय, इसे कहा गया अमृत काल का ये बजट। अब मैं जब कार्यशैली देखता हूँ बीते कुछ वर्षों की, तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि अमृत किन के लिए है और विष किन के लिए है। अमृत मित्रों के लिए है सर, पर्याप्त मात्रा में, इतना अमृत पी लेंगे कि पेट और फूल जाएगा उनका। लेकिन विष एक महती जनता को, एक विशाल जनता के हिस्से में विष के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं शुरू करूंगा डिफेंस को लेकर के, एलोकेशन पर मेरे दोस्त सुजीत ने अभी बात की। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कहीं एलोकेशन में रिक्रूटमेंट का हिस्सा क्या होता है, क्या वो आपके जहन में है भी या नहीं, या आपने तय कर लिया है कि रोजगार विहीन ही सब कुछ होगा। 70 वर्षों से एक डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं अहीर रेजिमेंट की डिमांड की। एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके जहन में नहीं पड़ता, ना पड़े, वोट की चोट बहुत सिखा देती है। मैं सिर्फ इतना कह करके अगले बिंदु पे आऊंगा। सो आई एम डेलिबरेटली अवॉइडिंग मैक्रो इश्यूज, आई कुड हैव डेल्ट विद दैट, पुअर हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, बगवानिंग फिस्कल डेफिसिट, रिग्रेसिव टैक्सेशन और केस शेप्ड रिकवरी। अब ये मैं बीते कुछ वर्षों से वी शेप, केस शेप, तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया सर, एक जेड शेप रिकवरी भी होती है। जेड शेप रिकवरी यानी के 15वें अल्फाबेट के 15वें अल्फाबेट के रूप में आता है, जिस जेड शेप रिकवरी में खतरा होता है कि आप पुनः रिसेशन में जा सकते हैं। आप ज्यादा अर्थशास्त्र समझते हैं, यहाँ से चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल जी बोले, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, आप लोग ज्यादा समझते हैं। हमारे लिए तो अर्थशास्त्र सर गरीब और निम्न आय वर्ग की थाली है। मैं तो उसकी साइज देखता हूँ सर, मैं बजट में पोर्ट वाले को क्या मिला, एयरपोर्ट वाले को क्या मिला, उससे मैं चिंतित नहीं हूँ। दे दीजिए ना सब कुछ, लेकिन गरीब की थाली महफूज रखिए। गरीब की थाली छोटी होती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अभी रेलवे वाले विजुअल्स आप सबने देखे होंगे माननीय उपसभापति महोदय, मैं खास तौर पे कहूं एजुकेशन और हेल्थ में जो आपका एलोकेशन है, अलॉटमेंट है, उसमें फिर से एक बार वही रोजगार सृजन की कोई चर्चा नहीं। देयर इज नो विजन एट ऑल। आपने एक आंकड़ा दिया 60 लाख 5 वर्षों में, अरे लेबर फोर्स में एंट्री के लिए तैयार लोगों की आपको फेहरिस्त की जानकारी है? करोड़ों करोड़ दस्तक दे रहे हैं, आपने दरवाजे बंद करके रख दिए, और चूंकि आपने दरवाजे बंद करके रख दिए तो आपको वो विजुअल्स देखने पड़ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय हैं, आपके माध्यम से कहूं सर, फौरी तौर पर एक रोजगार कैलेंडर पर काम करिए, सालाना हर विभाग, हर क्षेत्र, हर निकाय, वहां से निकाल के रखिए कितनी वैकेंसी है और कब भरेंगे, क्योंकि जब आप उन वैकेंसीज को नहीं भरेंगे, सब्र का प्याला बढ़ता जा रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, एक माननीय उपसभापति महोदय, सदन में पहले भी मैंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बार बार इस्तेमाल करते हैं मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम वेलफेयर स्टेट है, मुफ्त कह करके गरीब की गरिमा पर चोट मत करिए। हर नागरिक का स्टेक है और उस अधिकार को
आप जब कहते हैं मुफ्त में दिया, अरे आप अपनी तस्वीर लगा लीजिए बॉडी पे, आप तस्वीर लगा लीजिए बॉडी पे, सोच ईमानदार काम दमदार वगैरह वगैरह लिख दीजिए, लेकिन मुफ्त कह करके गरीब का अपमान मत करिए, क्योंकि गरीब की लानत अगर पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होगी। माननीय उपसभापति महोदय, गरीबी का विलोम ब्रायन स्टीवेंसन कह गए, गरीबी का विलोम संपत्ति नहीं होता, गरीबी का विलोम न्याय होता है। आपको अपने बजट के नजरिए में देखना होगा। मैं तीसरी बार बजट पे बोल रहा हूं सर, तीसरी बार इस सदन में, आर्टिकल 39 क्लॉज सी एक बार पढ़िए और मूल्यांकन करिए, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेवलपमेंट। रीड द ऑक्सफाम रिपोर्ट सर, थोड़ा सा सर, मैं बस थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं, बस वाइंड अप ही कर रहा हूँ सर। दूसरी चीज बस मैं ये कह रहा हूँ, तीसरी बार ये दिखा रहा हूँ आर्टिकल 39। खैर सर, ग्रोथ बड़ी चर्चा होती है, आप उस नंबर बताते हैं, ये डिस्प्यूट करते हैं इधर से, सर हमको उससे भी मतलब नहीं है। आपका ग्रोथ फेसलेस क्यों है? फेसलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, और तब तुर्रा इस बात का कि $5 trillion इकोनॉमी बनेंगे। सर आत्मनिर्भरता पर तो बहुत चर्चा होती है, मैं बोलना भी नहीं चाहता, मनरेगा को लेकर के एक बात जरूर कहूंगा। कल सुशील मोदी जी सदन में बोल रहे थे कि आंकड़े में गलती की इन्होंने, रिवाइज एस्टीमेट को, बजट एस्टीमेट को, रिवाइज एस्टीमेट को, मैं अग्री करता हूं सर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जब रिवाइज एस्टीमेट का आंकड़ा आपके पास था और पैंडेमिक ने डिसरप्शन कर दिया था, आपने उस आंकड़े को क्यों नहीं देखा? आपने उस आंकड़े को क्यों खारिज कर दिया? और मैं आपको बताऊं सर, उस आंकड़े से संबंधित मनरेगा में मांगने पर भी काम ना मिलने में बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है सर। ये शर्म का विषय होना चाहिए, सदन के लिए सामूहिक शर्म का विषय होना चाहिए, पीठ ठोकने की बात नहीं है सर। बस सर मैं एक आध मिनट लूंगा, उसे ज्यादा नहीं। और सर हर साल काम ना मिलने का औसत ये बढ़ता जा रहा है, और प्री पैंडेमिक 18-19 से लेकर के अब तक। सर एक अभी हाल में किताब पढ़ी सर, बड़ी अच्छी किताब है, आपको दूंगा, मृणाल पांडे जी ने लिखी है, माया न घुमाए सर। उसमें एक व्यक्ति कोरोना के काल में बहुत परेशान होकर के उनको गांव से निकाल दिया, तो वो पहुंचा एक कुएं के पास, तो कुएं में पड़ियां थी, उन्होंने कहा मैं दो शंख दे रही हूँ, एक है करामाती शंख जो मालिक को मनचाही चीज देता है, एक है टपोर शंख जो लच्छेदार बोली बोलता है, बहुत देने का शोर मचाता है पर वादे कभी पूरे नहीं करता। धन्यवाद। सेंटेंस खत्म करने दीजिए सर। पूंजी निवेश का मामला मैं आता हूँ सर, पूंजी निवेश मेरे मित्र पूंजीपति कोई नहीं है, पूंजी से बहुत ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि निवेश के लिए माहौल क्या होना चाहिए सर। जहाँ फातिहा के लिए उठे हाथ पर कंट्रोवर्सी हो जाए, जहाँ वस्त्र कपड़े पे, रहन सहन, खान पान पे, आप उस देश में सर कोई निवेश करने से पहले हिचकेगा सर। 30 सेकंड अब सर, आप तो जय हिंद बोलने का, शुरू में ही एक शेर आपके लिए सुनाया था, मैं एक और सुनाऊंगा आपको, आप, बस सर रिहैबिलिटेशन अब नहीं है, बस आखिरी सब टाइप नहीं है, सैनिटेशन खत्म करना है सर। सैनिटेशन वर्कर्स मुझे माफ नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे कहा था कि उनके बजटरी एलोकेशन में एम्प्लॉयमेंट में जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का रिहैबिलिटेशन के लिए होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 30% आपने कटौती कर दी। मैं अभी बोल रहा हूँ तो कोई ना कोई मैनुअल स्कैवेंजर किसी सीवर में अपनी सांसें आखिरी ले रहा होगा सर, इसलिए मैं कहता हूँ तेरे वादे पर जिए हम, ये जाने 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 जाने। सर ये आपके लिए है, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाना, कि खुशी से मर न जाते तो एतबार, अगर एतबार होता। जय हिंद सर। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.